بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين.

उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको खैर वाफियत से रखें आज की वीडियो में हमल की हिफाजत का कुरानी वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें ताकि वजीफे का निसाब और दीगर दीनी मालूम जान सकें अक्सर खवातन हमल ना ठहरने की वजह से या अगर हमल ठहर जाए तो इसका बाद में ज़ाया हो जाना ये मसला अक्सर पूछा जाता है जो हम आपके लिए अमल लेकर आए हैं इस अमल को करने से हमल के हवाले से जो भी मसला होगा इन जरूर हल हो जाएगा अगर हमल ना ठहरता हो तो वो भी ठहर जाएगा और अगर हमल जाया हो जाता हो तो ज़ाया नहीं होगा ये वजीफ़ा आसान और मुजरब है आपने क़ुरान पा की अम्बिया की आयत नंबर नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री ये तीन आयत जो हैं पढ़ कर पानी पर दम पर कर दम करके पिलाएं। चालीस दिन तक इन अमल की बरकत से बच्चा सही सालम पैदा होगा दुरानी हमल हामिला और हमल की हिफाजत के लिए कई जतन किए जाते हैं अगर हामिला का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो या कवि यो ग्यारह बार पानी पर दम करके पिलाएं। हामिला के पेट पर हाथ रख कर नाइन्टी नाइन मरतबा या मुबदियों या सलामों हमल करार पाने के बाद रोजाना पढ़ें, इकतालीस दिन सूर्य कोसर की तिलावत नमाज फजर के बाद करें सूर्य शम्स को इकतालीस मरतबा बाद नमाज इशराक पढ़ें और पानी पर दम करके पियें इन हमल महफूज और बच्चा सही सलामत रहेगा जिस औरत का लड़का ज़िंदा ना रहता हो वो अजवाइन और काली मिर्च दोनों चीज़ें लेकर पीर के रोज़ दोपहर को चालीस दफ़ा सूरह शम्स अव्लवा द्रोश्री पढ़ कर इसको हमल के शुरू से लेकर बच्चे के दूध छुड़ाने तक मुसलसल खाए इन श्ला बच्चा महफूज रहेगा अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अल्लाह तब का हामी और नासिर हो असलकम